महिलाओं बच्चों पर होने वाली हिंसा की रोकथाम, साइबर क्राइम एवं बालकों के अधिनियम और मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित विषय पर गुरुवार को सामाजिक संस्था जन साहस द्वारा स्वामी विवेकानंद सभागृह में कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में एसआई स्तर के पुलिस अधिकारी शामिल हुए। पहले सत्र में एएसपी नीरज चौरसिया ने पुलिस कर्मियों को लैंगिक अपराधों में कायमी के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि नाबालिग के साथ महिलाओं की जानकारी सार्वजनिक न हो पाए, थाने पहुंचने पर उनके साथ नरमी बरती जाए, घबराया होने पर काउंसलिंग कराई जाए आदि जानकारियां दी। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। जी, मेरा नाम प्रांजलि है और मैं जनसाहस में एक मानसिक स्वास्थ्य काउंसलर के रूप में काम कर रही हूँ। तो ये जो कार्यशाला है, इसमें हमने मानसिक स्वास्थ्य और काउंसलिंग के बारे में बात की और किस प्रकार से हमारा मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है जब किसी भी प्रकार की हिंसा अगर हमारे साथ में हुई है। और चूँकि यहाँ पर आज पुलिस ऑफिसर सारे मौजूद हैं, तो वो कई प्रकार के केसेस को अपने सारे केसेस को डील करते हैं अपने दैनिक रोजगार में। तो वो सारे केसेस में सर्वाइवर्स के संग डील करते हैं, तो वो सर्वाइवर्स को किस प्रकार से क्या क्या चीज़ों का सामना करना पड़ता है, उन सारी चीज़ों की वजह से उनका मानसिक स्वास्थ्य किस प्रकार से प्रभावित होता है, आज हमने उन सारे मुद्दों पर चर्चा की थी। और साथ ही साथ जब मानसिक स्वास्थ्य किसी का प्रभावित होता है तो उसमें किस तरीके से काउंसलिंग अपना रोल प्ले कर सकती है, मैं उस पर भी बातचीत की। और कितना ज़रूरी होता है एक सर्वाइवर, एक हिंसा के सर्वाइवर के संग काउंसलिंग करना, तो आज ही सारे मुद्दों पर हमने उन पर बात की। क्या नाम है आपको? मेरा नाम प्रांजलि है और मैं जनसाहस में एज अ मानसिक स्वास्थ्य काउंसलर काम कर रही हूँ। जनसाहस एक सामाजिक संस्था है जो विगत 6 वर्ष से खरगोन में विभिन्न इशू पर काम कर रही है। तो आज जो हमारा आयोजन स्वामी विवेकानंद भवन में किया जा रहा है, इसमें जो बाल लैंगिक अपराध के संरक्षण के ऊपर जो कार्य किया जा रहा है, उसमें जो हमारे एसआई या बाल संरक्षण अधिकारी वर्ग के जो अधिकारी लोग हैं, उन्होंने भागीदारी की है। और हम लोग इसमें जो साइबर क्राइम है और बच्चों और महिलाओं के साथ जो होने वाले लैंगिक उत्पीड़न यौन शोषण है, उसकी रोकथाम का प्रयास को वो और हम संस्था और जो अधिकारी विभाग है वो किस प्रकार से आपसी सहयोग बनाकर यहाँ पर इस प्रकार के अपराधों की रोकथाम के लिए कार्य कर सकते हैं, उस चीज़ को लेकर हमने यहाँ पर एक आयोजन किया गया है। वहीं साथ साथ जो है हमारा प्रवासी मजदूर के ऊपर जो कार्य चल रहा है MRC प्रोग्राम, उसमें हम इस प्रकार के, क्योंकि खरगोन क्षेत्र ट्राइबल एरिया है और यहाँ से ही बहुत सारे जो लोग हैं वो पलायन के लिए, रोजगार के लिए अन्य जगह पर जाते हैं, जिस प्रकार से उनके वहाँ पर भी कई प्रकार का लैंगिक शोषण होता है, उनके साथ अत्याचार होता है, या फिर कहीं पर उनकी मजदूरी को जो है उन्हें नहीं मिल पाती है समय पर और कई प्रकार के उनके शोषण होते हैं। तो वहीं पर हम इसी ये जो एक मुद्दा है, एक संवेदनशील मुद्दा है, वो इस मुद्दे पर हम वो प्रशासन किस प्रकार से मिलकर कार्य कर सकते हैं, उस के अंतर्गत हमने इस कार्यशाला का आयोजन किया है। वहीं जो एक बाल लैंगिक संरक्षण के आधार पर पॉक्सो एक्ट जो बना है, उस पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत जो नए अमेंडमेंट हुए हैं, जो नया बदलाव हुआ है, उसका हम एक दूसरे को हमारी जो नीति है, हमारा जो कार्य है, उसको साझा करें और हम खरगोन को इस बच्चों के और महिलाओं के रोकथाम, उनके साथ होने वाले शोषण की रोकथाम के लिए प्रयास कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम विनोद सोनी है और मैं जनसाहस में विगत 10-12 वर्ष से वह काम कर रहा हूँ। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।